अज हुशियारपुर के मिनी सकत्तरेत के बाहर यूटी मुलाजम और पेंशनर्स सांझा फ्रंट वालों अपनी मंगों को लैके जिला पदरी रोस धरना दिता गया, जिसकी प्रधानगी फ्रंट के कन्वीनर रामजी दास चौहान और सूरज प्रकाश आनंद वालों की गई। इस मौके उन्होंने सरकार तो मंग करद किया कि मुलाजमान दियां पिछले लंबे समय तो जो मंगा लटकदियां आ रही ने उन्होंने तुरंत पूरा किया जाए, इस तो इलावा कच्चे मुलाजमान पक्के किया जाए और छेवें तनखाह कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। इस मौके मुलाजमान वालों 9 नवंबर को पटियाला होने वाली सूबाई रैली और 26 नवंबर को देश दियां कौमी ट्रेड यूनियन और मुलाजम फैडरेशन वालों की जा रही देशव्यापी हड़ताल में सफल करने का मता भी पास किया गया। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। कच्चे कामे पक्के करो, ये भी कच्चा लागू करो, ये भी कच्चा लागू करो। धन्यवाद। सूरज प्रकाश आनंद, मैं पंजाब पेंशनर्स वेलफेयर एसोसीएशन का जिला प्रधान हाँ। ये असी काफ़ी लंबे समय तो 4 साल तो ही सरकार दे खिलाफ वख वख प्लेटफार्मा दे उपर अपने धरने मुजाहरे किए, मगर ये ऐसी ढीठ सरकार है भी इन्हें कोई साड़ी गल अज तक कोई सुनी नहीं और ना ही अपने जोड़े चोन मैनीफेस्टो सी उसका पालन किया है। असी पुरजोर अपील करते हैं मीडिया नूं ताकि ये सरकार दे ध्यान में लियावे कि मुलाजम और पेंशनर्स जिहड़ा कि लेट सड़कों के उपर रुल रहा उन्होंने दुख तकलीफा सुन के जल्दी तो जल्दी पे कमीशन लागू करन, डीए दियां किश्तां लागू करन और कच्चे मुलाजम जिहड़े आ पक्के करन। मैं रामजी दास चौहान, जिला कन्वीनर पंजाब ड्यूटी मुलाजम ते पेंशनर सांझा फ्रंट। अज असी पंजाब दे समुचे जिले के अंदर वख-वख डेटां दे विच 16 तो लैके 30 तरीक तक जिहड़े जिला रैलियां कीतियां जा रही उहदी कड़ी दे वजों अज हुशियारपुर दे विच मुलाजम ते पेंशनरां दी सांझी रैली कर रहे हैं, क्योंकि पिछले समय दे विच असीं देखिया सरकार नूं होंद चाहियां 4.25 साल का समा बीत चुकिया, जो चोण मैनीफेस्टो दे विच वादे कीते सीगे जिथे समाज के वख-वख वर्गां दे नाल वादे कीते उत्थे मुलाजमां ते पेंशनरां दे नाल भी वादे कीते सीगे कि असीं कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करांगे, पे कमीशन की रिपोर्ट तुहाडे ते 3 महीने दे विच लागू करांगे, पुराना रोकिया जिहड़ा बादल दे समय दा रोकिया डीए है वह भी देवांगे ते उहनां दे पिछले बकाए भी देवांगे, पुरानी पेंशन बहाल करन दे लई इक कमेटी गठित करन दा जिहड़ा प्रस्ताव लैंदा सीगा चोण मैनीफेस्टो दे विच लिखा सी, अज 4.25 साल बीत जाण तो बाद भी सरकार ने वो मुलाजमान दीआं समुचियां मंगां जिहड़ियां ठंडे वास्ते दे विच पाईआं इह सरकार नूं हलूणा देण दे लई असीं पिछले समय दे विच जिथे ब्लॉकां दीआं रैलियां कीतियां, जिला पद्धर ते भुख हड़तालां कीतियां, स्टेट दे भी एक्शन कीते आ, हुण फिर असीं ब्लॉकां दीआं रैलियां करन तों बाद अज असीं जिलियां दीआं रैलियां कर रहे हैं 9 दिसंबर नूं, जिथे असीं पंजाब पद्धर दी वड्डी रैली पटियाले दे विच करके जिहड़ी उह मोती महल घेरन तक जाणा है, उहदे नाल ही नाल जिहड़ा 26 नवंबर नूं देश दियां कौमी ट्रेड यूनियन ते मुलाजम फैडरेशनां वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया, कौमी हड़ताल की जा रही है, उत्थे पंजाब ड्यूटी मुलाजम ते पेंशनर सांझे फ्रंट वालों वड्डी गिणती दे विच उहदे विच शामिल होकर इस हड़ताल नूं सफल किया जाएगा। इन्हां किसानां दीआं जिहड़ियां मंगां जिहड़ा किसानां दे विरोध दे विच 3 आर्डीनेंस 3 बिल सरकार ने पास किए हैं उन्हां नूं रद्द कराने दे लई सरकार किसानां दी जित तक उन्हां दा साथ दिता जाएगा ते मुलाजमां मजदूरां दे सांझे मसलियां दे लई इन्हां कोई कसर लड़ने तो कोई कसर बाकी नहीं छड़ी जाएगी। धन्यवाद।